मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम एम ए फाइनल इतिहास का पेपर थर्ड बी, उसके अंतर्गत हम यूनिट थर्ड में दिल्ली सल्तनत द्वारा जो सिक्के प्रारंभ किए गए थे इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और दिल्ली सल्तनत की जो पृष्ठभूमि है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इल्तुतमिश के सिक्कों के बारे में भी हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत और जो प्रारंभिक तुर्क सुल्तान थे उनके बारे में थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि देखते हैं। 1203 में मोहम्मद गोरी के बड़े भाई जो कि गोर के सुल्तान थे, इनका नाम था गयासुद्दीन गोरी, इनकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी गोर का शासक बना था। उसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी और लगभग 1206 तक इसका हमें शासन मिलता है। मोहम्मद गोरी के लिए कहा जाता है कि उसके वह अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प था और उसे राजनीतिक परिस्थितियों की वास्तविकता की भी जानकारी रहती थी। जहाँ तक उसके व्यक्तिगत गुणों की बात है, या हम कह सकते हैं कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये निर्विवाद रूप से महान सेनानायक थे और उनको अनेकों युद्ध लड़ने का अनुभव भी प्राप्त था। यदि हम महमूद गजनवी और गोरी से भारतीय शासकों की तुलना करें तो उनके समान हमें उतने अनुभवी और दूरदर्शी और बुद्धिमान नहीं दिखाई देते हैं और न ही भारतीय शासक अवसर का फ़ायदा उठाना जानते थे। ये कारण है कि वे तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान कोई न कोई ऐसी गलतियां कर बैठते थे जिनका लाभ उठाकर तुर्क उनको पराजित करने में सफल हो जाते थे। इसलिए तुर्कों की भारतीयों पर विजय का कारण तुर्कों का भारतीयों से सैनिक दृष्टि से श्रेष्ठ होना ही नहीं है, बल्कि संबंधित तुर्क सेनानायकों का राजपूत सेनानायकों से अधिक योग्य होना भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार तुर्क सेनानायकों का भारतीय सेनानायकों से श्रेष्ठ होना भी तुर्कों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। मोइनुद्दीन के जैसा मोहम्मद गोरी की 1206 में जब मृत्यु हुई थी तो उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा गयासुद्दीन महमूद गोर का शासक बना, लेकिन वो बहुत अधिक योग्य नहीं था और न ही मोहम्मद गोरी के द्वारा जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया था उसकी वो रक्षा कर पाता। मुइजुद्दीन की जब मृत्यु हुई थी तो गजनी साम्राज्य के सामने विदेशी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों का खतरा उत्पन्न हो गया था। ख्वारिज्म का शाह जो था वो गोरी सुल्तानों का सबसे प्रबल शत्रु था, गौर और गजनी को हड़पने में तुला हुआ था और गयासुद्दीन महमूद में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उनके विद्रोहों का सामना कर सके। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी या मुइजुद्दीन के तुर्क दास अधिकारियों में ताजुद्दीन अल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सर्वाधिक योग्य और महत्वाकांक्षी थे। तीनों अपने लिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा रखते थे। गयासुद्दीन महमूद इनकी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था, अतः मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद ही उसके साम्राज्य का बंटवारा शुरू हो गया था और तीनों में साम्राज्य बट गया था। ताजुद्दीन अल्दोज ने मुइजुद्दीन द्वारा करमान का हाकिम नियुक्त किया गया था और गजनी पर अधिकार कर लिया था। मुइजुद्दीन द्वारा विजित भारतीय प्रदेशों पर भी वो अधिकार करने की योजना बनाने लगा था। नासिरुद्दीन कुबाचा भी जो मुल्तान का और उच्च का हाकिम था वो स्वतंत्र शासक बन गया था और उसने समस्त सिंध पर अधिकार कर लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने
मुइजुद्दीन के दासों में जो कि सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था, अपने आप को उसने भारतीय साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। और ये मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन की भी इच्छा थी, और इस तरह से इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत में उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने, ऐसा वो खुद भी चाहता था। तो मुइजुद्दीन की मृत्यु के बाद जब वो लाहौर के नागरिकों ने ऐबक को दिल्ली में बुलाया और सत्ता ग्रहण करने की प्रार्थना की, तो वह दिल्ली से लाहौर पहुंचा और वहां पर उसने अपने को मुइजुद्दीन के भारतीय साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। तो उसका जो राज्यारोहण है वो 25 जून 1206 को हुआ था, और इसी समय उसके अनुरोध पर उसके स्वामी मुइजुद्दीन के उत्तराधिकारी गौर का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद, उसने उसके पास राजचिन्ह और ध्वज भी भेज दिया था और साथ ही सुल्तान की उपाधि भी उसको प्रदान कर दी थी। तो सुल्तान की उपाधि मिल जाने के बाद भी उसने मलिक और सिपहसालार की ही उपाधि धारण की थी, सुल्तान की नहीं की थी, क्योंकि वो जानता था कि वैधानिक रूप से उस समय तक वो दास ही है और इस्लामी प्रथा के अनुसार कोई दास सुल्तान होने का अधिकारी नहीं होता, और नियमानुसार जब उसको दासता से मुक्ति प्राप्त हुई वो थी 1208 ईस्वी में, और संभवतः इसी कारण उसने न तो अपने नाम के सिक्के ढलवाए और न ही खुतबा पढ़वाया था। 1208 में उसको गयासुद्दीन महमूद से दासता मुक्ति पत्र प्राप्त हो गया था, और तब वह वैधानिक रूप से भारतीय तुर्क सल्तनत का सुल्तान कहलाने का उत्तराधिकारी या अधिकारी बना था। तो 1206 ईस्वी में यद्यपि सुल्तान के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको जो दास्ता से मुक्ति पत्र वो 1208 में मिला था। सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन का सबसे पहला कार्य था कि भारतीय जो प्रदेश थे उनका गजनी और गौड़ से संबंध विच्छेद करके यहाँ का एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की जाए, और इसमें गौर के शासक गयासुद्दीन महमूद की अयोग्यता और ख्वारिज्म के शाह की शत्रुता और शक्ति के कारण गौर साम्राज्य का अंत उसे निकट दिखाई दे रहा था, तो वह भारतीय राज्य को गौर राज्य से संयुक्त किए रहता तो ख्वारिज्म का शाह भी जिसकी आंख पहले से ही गजनी और गौर पे लगी थी, वो भारत को भी जीतने का प्रयास करता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसे भारत में तुर्की सल्तनत की उन्नति और शक्ति के लिए घातक समझता था, अतः उसने गयासुद्दीन महमूद के पास दूत भेजकर प्रस्ताव रखा कि यदि वह भारत को स्वतंत्र राज्य और उसका सुल्तान भारत का वो उसको स्वीकार कर लेता है तो वह उसे ख्वारिज्म के शाह के विरुद्ध सहायता करेगा। तो गयासुद्दीन ने वो ये सारी चीज़ें जानता भी था, तो उसने कुतुबुद्दीन को समझ भी गया था कि वो उसके अधीन अपने अधीन रख नहीं सकता था, तो उसने कुतुबुद्दीन को जो प्रस्ताव कुतुबुद्दीन ने भेजा था उसको स्वीकार कर लिया और उसके पास राजचिन्ह और ध्वज भी भेज दिए और उपाधि भी सुल्तान की उसने प्रदान कर दी। तो इस प्रकार ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रथम तुर्क सुल्तान माना जाता है, और उसके द्वारा भारत में स्वतंत्र तुर्की सल्तनत की स्थापना की गई थी। इसके बाद उसने भारत में तुर्क सुल्तानों को सुदृढ़ करने के लिए भी जो भी आंतरिक और बाह्य शत्रु थे उनसे उसने मुकाबला किया था, जिसमें एल्दो जो नासिरुद्दीन कुबाचा द्वारा भारतीय राज्य पर अधिकार करने के प्रयासों को उसने विफल किया और उनकी शक्ति का भी दमन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक के रूप में तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था बंगाल पर दिल्ली का पुनः आधिपत्य स्थापित करना, और ये काम भी उसने किया और बंगाल पर दिल्ली के सुल्तान का आधिपत्य भी स्थापित हो गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंहासन पर बैठने के बाद
अनेक हिंदू विद्रोहों का सामना करना पड़ा था और उन हिंदू शासकों ने जिनके राज्यों पर मुइजुद्दीन के समय में जीतकर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया था, उसकी मृत्यु की सूचना पाते ही जो अपने खोए हुए राज्यों को पुनः अधिकार स्थापित करने में लग गए थे, तो उन पर पुनः अधिकार स्थापित करने का भी इसने प्रयास किया था। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन एक योग्य और कुशल सेनानायक था और उसने उसे ये भी कहा जाता है कि वो लाख बख्श की उपाधि भी दी थी, मतलब लाखों का दान करने वाला भी उसको माना जाता था। और अबुल फजल ने भी ऐबक द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए उसकी बहुत प्रशंसा की और उसकी उपलब्धियों का मूल्यांकन इन शब्दों में भी किया है कि उसने भले और महान कार्य किए। तो मुइजुद्दीन को भारत में जो महान सफलताएं प्राप्त हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा हाथ रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक के 1206 से 1210 तक शासन किया और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क सरदारों ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था। आराम शाह कुतुबुद्दीन का ही पुत्र था, कुतुबुद्दीन का गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं कुछ, तो जो भी है वो उसका पुत्र माना जाता है, कुछ संदेह भी करते हैं। कुछ ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होने के समर्थन में दिए गए जो तर्क हैं वो प्रमाणित नहीं है, उस पर आधारित नहीं है, लेकिन 1210 से 1211 तक ही ये शासन कर पाया। केवल 8 महीने ही शासन उसने किया था, परंतु इल्तुतमिश ने उसे आसानी से पराजित करके उसका वध कर दिया और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश, जिसका पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, वो यहाँ का शासक बना। उसने यहाँ पर जो शासन स्थापित किया गद्दी पर बैठने के बाद, तो उसे भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ऐबक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर तुर्की अमीर वर्ग दो दलों में विभाजित हो गए थे। लाहौर के तुर्की अमीरों ने ऐबक के पुत्र आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया था, जबकि दिल्ली के तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश को, जो कि उस समय बदायूं का हाकिम था, सुल्तान घोषित किया था। किंतु इल्तुतमिश ने आराम शाह को युद्ध में पराजित कर दिया और उसे मार डाला और वो खुद सुल्तान बन गया था। तो कठिनाइयाँ आंतरिक और बाह्य इसके साथ भी थी, हम उन कठिनाइयों की बात तो नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह से जो देखना है वो है इल्तुतमिश के समय की मुद्रा प्रणाली। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया। उसने पूर्णतः अरबी ढंग का चांदी का एक नया सिक्का चलाया जो कि तोल में 175 ग्रैन का होता था और जिसे टंका भी कहा जाता था। चांदी के टंके के साथ ही उसने छोटे सिक्के के रूप में तांबे के जीतल का प्रचलन शुरू किया और उसके बारे में भी कहा जाता है, नेल्सन राइट ने लिखा है कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये निसंकोच कहा जा सकता है कि ये टंका, जैसा कि उसकी तोल से स्पष्ट है कि बाद के सुल्तानों ने टंकों के लिए एक नमूना उनके लिए उदाहरण के रूप में बना और उन्हीं से ही आधुनिक समय का रुपया विकसित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि जीतल को एक विशिष्ट सिक्के के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को रहा है, उसकी का ही योगदान माना जाता है। तो इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था और उसने चांदी के टंके और तांबे के जीतल को एक दृढ़ स्तर तक पहुंचाया था। ये उसके शासन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। साथ ही विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा के भारत में प्रचलन का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। इल्तुतमिश के समय के
जो सिक्के थे वो किस प्रकार के थे उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम टंका, जीतल, मिलियन, मिश्रित धातु और तांबे के सिक्के के लेख इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह और उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। उस समय सल्तनत का प्रभाव फैलने लग गया था और बगदाद के खलीफा ने भी भारत में सल्तनत के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। इल्तुतमिश ने भारतीय सिक्कों की बनावट को ही अपनाया। उसके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों पर कई लेख मिलते हैं। उसने अपने सिक्कों पर भारतीय शैली का त्याग कर दिया था क्योंकि इस्लाम में चित्र वर्जित थे, अतः इल्तुतमिश के सिक्कों पर पूर्ण रूप से इस्लामी प्रभाव भी देखा जा सकता है। भारतीय शैली को त्यागने के बाद हिंदू चित्र उसने हटा दिए। सिक्कों पर उसने अपना नाम खुदवाया, साथ ही कलमा लिखवाया। सिक्कों पर के तोल में भी उसने परिवर्तन किया और उस समय मध्य एशिया से व्यापार भी चल रहा था, इसीलिए भारत में चांदी की कोई खास कमी नहीं रही थी। तो इल्तुतमिश ने सबसे बड़ा कार्य ये किया कि भारतीय शैली और दिल्ली वाला सिक्के को छोड़कर 170 ग्राम के बराबर तोल में चांदी के सिक्के उसने तैयार करवाए और मिश्रित धातु के सिक्के 560 ग्राम के बराबर उसने बनवाए। तो इस प्रकार मुस्लिम परंपरा और इस्लाम के कारण मुद्रा शैली और सिक्कों के तोल में उसके समय में हमें परिवर्तन मिलते हैं। इस्लाम मत का सबसे बड़ा अधिकारी खलीफा कहलाता था, अतः सिक्कों पर उसका नाम भी इसने लिखवाया था। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। साथ ही चांदी का टंका और तांबे का जीतल इसने प्रचलित किया। 8 ग्राम का अदल सिक्का भी उसने निकलवाया। कई सिक्कों पर इल्तुतमिश ने टकसाल का नाम भी लिखवाया। इल्तुतमिश का सर्वाधिक योगदान उसकी इस प्रकार उसकी मुद्रा प्रणाली में देखा जा सकता है। और उसने स्वयं को शक्तिशाली सम्राट बनाने के लिए, स्वयं को प्रधान धर्म रक्षक बनाने के लिए उसने नासिर अमीन उल मोमिन भी सिक्कों पर घोषित करवाया। इल्तुतमिश ने 47 ग्रेन से लेकर 560 ग्रेन तक के मिश्रित धातु के सिक्के भी उसने चलवाए थे। इस प्रकार इल्तुतमिश के चांदी के सिक्के जिन्हें टंका कहा जाता है विभिन्न मूल्यों के हमें मिलते हैं। चांदी के सिक्कों पर कई लेख मिलते हैं, कुछ सिक्कों पर कलमा का प्रयोग भी मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण सिक्के जिसमें अब्बासी खलीफा अल मस्तनासिर का नाम है, कलमा सहित या कलमा रहित सिक्के मिलते हैं। दूसरी तरफ उसका खुद का नाम भी उसने अंकित करवाया था। इल्तुतमिश के सिक्के के अग्रभाग में अब्बासी खलीफा अल मुस्तनासिर का नाम और कलमा रहित और सहित मिलता है। पिछले भाग में उसने स्वयं का नाम भी अंकित करवाया था और स्वयं को उसने घोड़े पर सवार भी दिखाया था। इस ढंग के सिक्कों का प्रयोग थोड़े से परिवर्तन के साथ उसके बाद के 7 शासकों ने भी किया था। 1242 में खलीफा उल मुस्तनासिर की मृत्यु के बाद फिर खलीफा उल मुल्तान का नाम भी सिक्कों पर आने लगा था। इनका दूसरी प्रकार का जो सिक्का है जिसके अग्रभाग में खलीफा का नाम कलमा सहित या कलमा रहित भी मिलते हैं सिक्के, पिछले भाग में इल्तुतमिश के नाम और व्रत में लिखवाया गया है। सिक्कों के व्रत के बाद टकसाल का नाम और तिथि भी खुदवाई गई थी। अन्य प्रकार के सिक्कों में भी खलीफा का नाम है आगे के भाग में, पीछे के भाग में इल्तुतमिश का अपना खुद का नाम है और एक व्रत में सिक्कों के बाहर टकसाल का नाम छपा होता था। तो ये इसके हमें इस समय मिलते हैं। तो मोहम्मद बिन साम के जिन घुड़सवार प्रकार के सिक्कों को इल्तुतमिश ने बंगाल से जारी करवाए थे उनकी तिथि 614-616 हिजरी संवत है।
अग्रभाग पर कलीमा और अरबी भाषा में घुड़सवार की चारों ओर दिखाई देती है। पृष्ठभाग में इल्तुतमिश का नाम और उपाधि है। अल सुल्तान अल मुआजन शमसुद्दीन दुनिया व अतीम अबुल मुजफ्फर इल्तुतमिश अल अल पुरान अमीन अल मोमिन। इल्तुतमिश ने मिश्र धातु की तीन प्रकार के सिक्कों को जारी करवाया था। पहले प्रकार के सिक्कों में अग्रभाग पर नंदी और पृष्ठभाग पर घुड़सवार और अलग अलग लेख मिलते हैं। सबसे अधिक सिक्कों के अग्रभाग पर नंदी के साथ कुछ लेख मिलता है। घुड़सवार के सामने भी श्री अमीर शब्द नागरी में लिखा मिलता है। कुछ सिक्कों पर खलीफा का नाम है और कुछ सिक्कों पर मुद्राजित आमिर श्री मोमिन लिखा हुआ मिलता है। दूसरी ओर श्री खलीफा नागरी लिपि में मिलता है। तीसरे प्रकार के सिक्कों पर एक और अरबी में लेख और दूसरी तरफ नागरी लिपि में लेख मिलता है तथा विक्रम संवत भी मिलता है। तीसरे प्रकार के सिक्कों को उसके किसी भी उत्तराधिकारी ने फिर नहीं अपनाया था।